परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी, ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है, परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना, और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन हर उम्मीद को तेलंगाना सरकार ने तोड़कर रख दिया। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ा है।